हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूस्टार एकेडमी। आज की इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। तो अभी अभी इंडिया जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी कि मौसम विभाग ने उसने अपनी अपनी लेटेस्ट वैकेंसी जारी कर दी है, जिसमें जो कि एसएससी कंडक्ट करता है, एएमडी की वैकेंसी जो आपको ये सबको पता है। और इसने अभी अभी अपनी वैकेंसी जारी कर दी है। इसमें लगभग 2000 के आसपास इसमें पोस्ट निकाली है। इसमें चूंकि ये एसएससी फॉर्मेट कंडक्ट कराता है इस एग्ज़ाम को, इसमें जो फीस वगैरह रहेगी वो सब एसएससी के फॉर्मेट में ही रहेगी। यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और गर्ल्स के लिए, जो वुमेंस होती है उनके लिए फ्री रहेगा। इसके अलावा जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए इसकी फीस रहेगी 100 रुपीज़। और इसका जो सेम फॉर्मेट है जैसे पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था 2016 वाला 17 वाला, उसी के सेम फॉर्मेट में ये रहेगी। तो आपको ये ध्यान देखना है कि इसमें किस टाइप से, अब मैं आपको बता देता हूँ। इसको अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, सिर्फ अभी आईएमडी की तरफ से एक नोटिफिकेशन डाला गया है जिसे अपन ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो ये डाल दिया गया है आईएमडी द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ आईएमडी की। तो यहाँ पे जाके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चलो आपको नोटिफिकेशन पे दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या इसकी आपकी जो भी वैकेंसीज रहेगी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी, वो सब इस वीडियो में देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा पहले कि इसमें ये बताया गया है। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिएगा ड्राफ्ट, सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट जो रूल नोट लिखा हुआ है आप देख लीजिए। सबसे पहले ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ द साइंटिफिक असिस्टेंट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज अपेंडेंट बिलो फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर स्पेसिफिक कमेंट्स। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को ये जो इन्होंने वैकेंसी बताई है, अगर इसमें कोई बात है, अगर आप कुछ चाहते हैं चेंजेस, तो इसमें चेंजेस करके बता दीजिएगा। अगर ये नहीं होता है तो विद इन 30 डेज के अंदर अंदर ये ऑफिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं न्यू डेली विद इन 30 डेज। और आप ये देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए, इसकी डेट सिग्नेचर देख सकते हैं। ये जो ड्राफ्ट का सिग्नेचर डेट है यह है 30/1/2019, ये ओरिजिनल सिग्नेचर है। तो ये आप खुद देख सकते हैं। इसके साथ ही चलो बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात हुई गई तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी, क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन रहेगी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। नेम ऑफ द पोस्ट आपकी रहेगी साइंटिफिक असिस्टेंट के बारे में। इसके बाद में देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें रहेगी 1972, ये कि 2019 में वैकेंसी इसकी आएगी, मतलब जो 2019 में है वो उसकी वैकेंसी कराएगी। इससे पहले 2016 में आई थी, जो कि 2017 में उसका एग्जाम हुआ था, बट अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी है। पर और साथ में अभी इसने नया नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है, तो अब देखते हैं कब तक इनको ज्वाइनिंग मिलती है, उसके बाद ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो सबसे पहले इसमें भी इसके साथ इसमें देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, आपको क्लासिफिकेशन किस किस टाइप में है इसका। तो क्लासिफिकेशन में देखते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन में है जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्टर्ड इसमें रहेगा। इसके साथ में जो आपकी और भी चीज़ें देख लेते हैं, इसमें आपकी सैलरी जो रहेगी वो रहेगी लेवल 6 वाली जो सैलरी रहती है, वो भी वाली इसके अंदर सैलरी का पैकेज रहेगा। यानी कि 35,000 से 1,12,400 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। ये बहुत अच्छी सैलरी का अमाउंट है। इसके साथ में अपन इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं, आपकी एज क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिएगी। एज लिमिट इसके अंदर आपको चाहिए नॉट एग्जिस्टिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी वो नॉर्मल क्राइटेरिया जो एसएससी डिसाइड करती है वो इसमें रहेगा, जैसे कि 5 साल एससी एसटी को या 3 साल ओबीसी वाले को, वो सारा क्राइटेरिया इसके अंदर रहेगा। क्योंकि ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो एसएससी कंडक्ट कराती है, तो इसमें सारा वही सब सेम प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी इसमें देख लेते हैं, बैचलर डिग्री इन साइंस डिसिप्लिन विद फिजिक्स एज वन एज द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब आपको बीएससी करी भी होनी चाहिए आपकी, अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीएससी या जो भी कर रखी है, उसके अंदर आपको साथ में उसके फिजिक्स होनी चाहिए, मतलब फिजिक्स का एक ट्रेड भी आपके उसमें भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपने बीएससी मैथ कर रखी है तो मैथ के साथ में भी आपकी फिजिक्स भी होनी चाहिए, मतलब फिजिक्स आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा उसमें और भी है, जैसे पिछली बार जो हुआ था इस बार इन्होंने क्लियरली नोटिफाई कर दिया है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। अगर आप कंप्यूटर साइंस हैं तो आप भर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन से भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग वाले में जो होते हैं आईटी सीएस और इसी वालों और इसी वालों और डब्ल्यू दोनों के लिए, ये चारों के लिए वैकेंसी आई है। और इसके अंदर साथ में आपको ये बताया गया, इसमें ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई दी है। इसके अंदर 2 ईयर डायरेक्ट रिजल्ट और फिर ये सब चीज़ें इसमें वही रहेगी जो कि पिछली बार वैकेंसी में थी। और इसके साथ में आपको ये दो तीन चीज़ें और है कि कैंडिडेट मस्ट, इसमें एक नोट डाल के दिया है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट विद द फिजिक्स
वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब जो आपकी 12th होनी चाहिए उसमें फिजिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये सब चीज़ें वही है जो अपने SSC के फॉर्मेट में आता है, बस उसमें जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ऐड करी गई है वो है कि आपको बैचलर डिग्री जो होगी उसमें फिजिक्स आएगी आपकी, अगर आपने BSc कर रखी है तो, अगर आपने BTech करी है तो आपको बस इसी 4 स्ट्रीम होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी EE, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको ये 3 4 सब्जेक्ट अगर आपने इन ब्रांचों से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो आपको मैंने आपकी इसकी सैलरी बताई गई है, इसकी सैलरी जो रहेगी वो 3500 से 35,400 से 1,12,400 तक के बीच में रहेगी। तो इसका जल्दी ही जैसे ये विथिन, अगर 1 मंथ में किसी SSC वगैरह सब जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो विथिन 30 डेज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जो कि आपको SSC की साइट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आने वाली जिससे आपको भी इसके नॉलेज हो जाए। धन्यवाद।